सांस है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकते गाइस। जब हम लोग यहाँ से निकल चुके हैं, हम लोग निकल चुके हैं, यह है और यह है ये है चितोंग का रास्ता, चितोंग का रास्ता देखते रहिए। ये रोड कैसा है भाई, सहनी हमें सजा है, हम हैं बाजारों के, सबकी नजर यहाँ है, हर चीज राज है, अब है जो है वो समा है, तुम रह सकी तो रबा है, अब है जो है वो समा है, ऐसी जी अब चाहे बाजार का रास्ता था एकदम खराब, ये देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुकेंगे, चाय पानी पियेंगे। रास्ता तो एकदम खराब है भाई, अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा रुकेंगे, चाय पानी पीना। भाई देखिए ये लोग शेर है, शेर ये लोग यहाँ का शेर है। अभी हम लोग सेफ्टी बाजार पे रोके हैं, थोड़ा चाय पानी पियेंगे। तो गाइस अभी हम लोग सेल्फ बाजार पहुंच चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा देर रुकेंगे, समोसा चाय पियेंगे यहाँ से खा के आगरा जाएंगे यहाँ से। तीखा है, मैं ज़्यादा तीखा नहीं खाता, कोई नहीं हमें हमेशा नहीं बोलना चाहिए। तो गाइस अभी हम लोग सेल्फ से निकल चुके हैं, वहाँ पे कुछ चाय समोसा खा के ये भी पहुँचना भी बाकी है। और डरा देखते रहिए, अभी हम लोग सेल्फ बाजार से निकल चुके हैं, अभी तो 10 मिनट लगेगा हाल लड़ा पहुँचने में। देखिए चारों तरफ कोरा ही कोरा है, कैसा रोड है भाई, खड्डा में रोड है या रोड में खड्डा है भाई। अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये सारा ऑरेंज संतला का रूप है, ये इसका ट्री है, देख सकते हैं। अभी ये संतला का सीजन नहीं है, तो देख सकते हैं ये सब संतला का रोड है, ऑरेंज का ऑरेंज ट्री। देखिए यहाँ का रास्ता एकदम खराब हो चुका है, देख सकते हैं इतना ज़्यादा फॉगी है, जैसे अंधेरा हो चुका है, देख सकते पूरा का पूरा फॉगी का अंधेरा आ चुका है यहाँ पे।
अभी भी हम लोग आहलदाड़ा नहीं पहुंचे हैं। शायद आहलदाड़ा में भी ऐसा ही फॉगी होगा। आज हम कुछ नज़ारा नहीं देख सकते। देखिए यहाँ एकदम से अंधेरा छा चुका है। देखिए कुछ नहीं दिख रहा है आगे। देखिए हम लोग जा रहे हैं। क्या है भाई ये, कुछ नहीं दिख रहा है। रास्ता भी थोड़ा थोड़ा मंदिर हो रहा है। देखिए थोड़ा थोड़ा सा भी क्या है भाई, एकदम से अंधेरा है भाई, थोड़ा सा भी नहीं दिख रहा है। देखिए यहाँ पे टोटली अंधेरा है। अभी पहुँचने वाले हैं हम लोग आहलदाड़ा। ओ गाइस क्या करें, एकदम से अंधेरा से गाइस। देखिए क्या है भाई ये, यहाँ पे आ जाना है, क्या करें। ये देख गंदा, टिकट पर सर अभी मंगपू थैंक यू। देखिए वहाँ पे टिकट भी हो चुका है हमारा। ये हाल का रास्ता एकदम सा ऑफ रोड है। देखिए कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है भाई, यहाँ थोड़ा थोड़ा दिखाई दे रहा है। अभी घर से खान के आ चुका है, घर से खान के आया है कि पहुँच नहीं है आज दादा। अभी ऊपर में नहीं जा सकते हैं क्योंकि बहुत सारा फौजी है। अभी यहाँ पे हम लोग बाइक रखेंगे ऊपर में। मैंने गाड़ी को यहाँ पे पार्क किया है, बाइक को। अभी हमको इस रास्ते से ऊपर में जाना है। रास्ते से देखिए चारों तरफ कोरा ही कोरा है, कुछ नहीं दिख रहा है। राइट, देखिए अभी बहुत सारा गाइस देखिए यहाँ पे कोरा ही कोरा ये रास्ते होके जा रहे हैं हम लोग। या देख सकते हैं ये अंधेरे में ये कुंदन मंगर बैग खुला है तेरा भाई तेरा। तो गाइस अभी हम लोग चल के जा रहे हैं ऊपर में। देखिए पीछे मेरा ब्लॉगर भाई कुंदन, देखिए थक चुका है पूरा का पूरा। अभी हम लोग एक घंटे का रास्ता तय करके आए हैं ऊपर में, बहुत जाना है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है चिनकोना, जो कि बोलते हैं क्वीन एन। ये है क्वीन एन का पेड़ नहीं प्लांट है, अभी क्वीन एन का प्लांट जिससे मलेरिया का मेडिसिन बनता है। देखिए इसका फ्लावर्स भी ऐसा होता है। इसका जो बार्क होता है उसे मेडिसिन में यूज़ करता है। कब पहुँचेंगे भाई। तो गाइस फाइनली हम लोग आहलदाड़ा पहुँच चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं ये आहलदाड़ा, ये आहलदाड़ा। यहाँ से कुछ देख सकता है लेकिन क्या करें, अभी फॉगी है इसलिए कुछ नहीं देख सकते हम लोग। गाइस अभी हम लोग नीचे जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारा फॉगी है, क्या करें अच्छा नहीं आ रहा है। देखिए ये ब्लॉगर भाई
सारा कि सारा सामान इसने आज हमारा सब सारा सामान इसने उठाया है। देखिए फाइनली हम लोग ये आलडाड़ा की एक व्यू पॉइंट पर पहुंच चुके हैं। ये ऊपर से आए हैं हम लोग, ऊपर ऊपर से आके फाइनली हम लोग यहाँ पे हम व्यू पॉइंट में पहुंच चुके हैं। देखिए क्या करें, लेकिन ये अबे बहुत अच्छा व्यू देख सकते हैं ये अब लोग। ओहे जन्नत फील हो रहा है भाई, देखो ये वाह। नीचे मत जा भाई, गिर जाएगा। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुत फिसलन है, रोड कोई नहीं, भैया से फिसल जाएंगे तो देखिए यहाँ पे बहुत नीचे खाई है भाई, यहाँ से गिर जाएंगे तो पता नहीं कौन सी दुनिया में पहुंच जाएंगे। देख सकते हैं वाह, इट्स रियली अमेजिंग। देखिए गाइज जो ये व्यू पॉइंट है, आप वहाँ से वहाँ पर भी एक व्यू पॉइंट है, वहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे आपको रविन्द्रनाथ टैगोर दिखेगा, रविन्द्रनाथ टैगोर का फेस दिखेगा यहाँ पे, ऐसा व्यू पॉइंट है। इसलिए यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं। और थोड़ा थोड़ा करके दिन खुल रहा है भाई, देखिए ये वाह। देखिए मेरे तो चारों तरफ बादल ही बादल है, बादल तो नहीं है, फॉगी फॉगी। गाइज अभी मैं यहाँ से नीचे उतर रहा हूँ क्योंकि नीचे थोड़ा अच्छा व्यू पॉइंट है, यहाँ से गिरेंगे तो देखेंगे। देखिए यहाँ से गिरेंगे तो यहाँ पे खाई खाई है, कोई नहीं, आपका भाई नीचे जा रहा है, देखिए वाह। वे गिर जाएंगे तो आपका घर वाले मिस करेंगे। वे देखिए ये यहाँ से गिरेंगे तो कुछ नहीं है भाई, नीचे कुछ नहीं है। कौन सा गाँव है भाई ये नीचे वाला ब्लड पंचा देख रहा है। देखिए आपको तो नहीं दिख रहा होगा कैमरे में तो, लेकिन मेरे आँख से दिख रहा है। आप लोग देख सकते हैं भाई लोग, देखिए यहाँ पे जन्नत जन्नत, वाह है जन्नत है भाई जन्नत, देख सकते हैं। तो गाइज वो जो व्यू पॉइंट है वहाँ से आप यहाँ पे देखेंगे तो, इस जगह पे देखेंगे तो रविन्द्रनाथ टैगोर का फेस वहाँ से दिखेगा, इसलिए वो देखने के लिए बहुत सारे टूरिस्ट लोग आते हैं यहाँ पे। देख सकते हैं आप लोग यहाँ से जन्नत फील हो रहा है भाई, वाह इट्स रियली अमेजिंग। देख सकते वाह, यह आलडाड़ा का खासियत देख सकते हैं। बोलना है यहाँ पर क्या क्या बोलूँ भाई, ये जो नज़ारा देख के ऐसा लगता है कि अभी मैं हेवन में आ चुका हूँ भाई, ऐसे नज़ारा पैसे दे के भी नहीं मिलेगा भाई। तो गाइज अभी चारों तरफ देखिए ये फॉगी ही फॉगी है, अभी ठंडा ठंडा कुल कुल फील हो रहा है, ठंडा ठंडा कुल कुल। देखिए भाई अभी जो नज़ारा है जो मेरा भाई है एकदम टैलेंटेड है, मल्टी टैलेंटेड टैलेंटेड नॉट ओनली पलटा बूझी देव माया, एक पलटा हेरी देव माया, एक पलटा बूझी देव माया। देखिए ये भाई के जुंगा में भी फॉगी आ चुका है, देखिए इसके जुंगा में भी फॉगी फॉगी है। तो गाइस लाइफ में एक बार ये जगह जरूर विजिट करना, अभी हम लोग का यहाँ से निकलने का टाइम हो चुका है क्योंकि अभी टाइम भी बहुत जा चुका है, कभी अभी टाइम 4 बजने वाले हैं, इसलिए अब देखते रहिए आज का व्लॉग।
गो। तो गाइज अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए यहाँ से भाई नीचे बहुत खाई है भाई, यहाँ से नीचे गिर जाएंगे तो सीधा लाटपंचर पहुँच जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऊपर में चढ़ रहा हूँ अभी हम लोग, ऐसा लग रहा है कि माउंट एवरेस्ट चढ़ रहा हूँ। देखिए अब भाई एकदम सा गिर जाऊंगा तो एक मिस तो जिंदगी खलास, ऐसा महसूस हो रहा है। देखिए चारों तरफ अभी भी फॉगी है, नेक्स्ट टाइम जब दिन खुला होगा तब आएंगे और आप लोगों को फिर से इस जगह का जो खासियत है और अच्छा सा सीन वो दिखाएंगे। तब तक देखते रहिए। तो गाइस देखिए अभी यहाँ पे सूरज निकल चुका है, जब हम यहाँ से निकल रहे हैं तभी ये सूरज निकल रहा है। देखिए कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। देखिए यहाँ तो फॉगी है, यहाँ पे थोड़ा सूरज निकल रहा था वो भी चला गया, बेल में छुप गया साला सूरज। तो गाइस देखिए ये अच्छा सा वैली है, बहुत अच्छा है, ये जरूर आएगा लाइफ में एक बार। अभी हम लोग यहाँ से ऊपर चढ़ेंगे क्योंकि ऊपर में हमारा बाइक है, वहीं से हम लोग घर लौटेंगे। आज का डेस्टिनेशन यहाँ तक था हम लोगों का, अभी जोगीघाट होते हुए जाएंगे घर दूसरे रास्ते से। जो सुबह में आए थे वो रास्ता नहीं जाएंगे हम लोग क्योंकि वो रास्ता अभी लंबा है, ऊपर से जाएंगे शिटोंग होते हुए। देखिए आज का ब्लॉग है गाइस, अभी ये फॉगी थोड़ा क्लियर हो चुका है। देखिए ये अच्छा सा स्काई आप देख सकते हो, वाह इट्स रियली अमेजिंग। ऐसा लग रहा है कि यहाँ से घर ही जाने का मन नहीं कर रहा अभी। देखिए बहुत अच्छा, वाह इट्स रियली 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 अमेजिंग। देखिए ये मेरा भाई। तो गाइस देख सकते हैं आप लोग ये यहाँ का एकदम 360 नज़ारा, लगा आपको कमेंट में लिखिएगा। ठीक है कमेंट में बताइएगा कैसा लगा आपको ये। गाइस अभी हम लोग लौट रहे हैं क्योंकि अभी 4 बजने वाला है, घर अभी दूर है इसलिए। देखिए यहाँ पे हम लोग बाइक नहीं ला सका क्योंकि देखिए रोड ऐसा है भाई, दूसरे लोग तो लाते हैं यहाँ पे लेकिन हम नहीं सकते। यहाँ पे बहुत सारे टूरिस्ट लोग भी आते हैं, देखिए टूरिस्ट लोग आ रहे हैं यहाँ पे। गाइस फाइनली हम लोग यहाँ बाइक यहाँ पे पहुँच चुके हैं। अभी हम लोग दूसरे जगह नामथिंग पोखरी, नामथिंग लेक बोलते हैं, वहाँ पे जाएंगे। देखते रहिए पोखरी, नामथिंग नामथिंग पोखरी। अभी ये है नामथिंग पोखरी, यहाँ पे सैलामेंडर मिलता है, सैलामेंडर ये एकमात्र जगह है जहाँ पे हम लोग सैलामेंडर मिलता है। यहाँ पे देखिए ये है, यहाँ पे तो ताला है लेकिन हम लोग यहाँ से छिर के नीचे से जा सकते हैं। गाइस आप लोग देख सकते हैं ये है नामथिंग पोखरी। देखिए देख सकते हैं ये है नामथिंग पोखरी, लेक
देख सकते हो आप लोग, यहाँ पे सेलेमेंडर मिलता है, बहुत अच्छा लेक है यहाँ पे। देख सकते हो यहाँ पे कुछ मछली वगैरह भी होगा सर। देखिए वो मेरा भाई वहाँ पे अटक गया। गाइस अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, नमथिंग पोखरी में भी थोड़ा फोटो की ले लिया है हमने और आपको दिखा दिया है कि नमथिंग पोखरी, कभी आप लोग आलडाड़ा है तो यहाँ भी जरूर आना। देखते रहिए आज का व्लॉग, कैसा लगा आपको आज का व्लॉग कमेंट में जरूर करिएगा। तो गाइस अभी हम लोग यहाँ से नमथिंग पोखरी से निकल चुके हैं, अब यहाँ से हम लोग सीधा माना होते हुए जोगीघाट की तरफ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे बहुत अच्छा सा सीन है, यहाँ पे पहाड़ों में पहाड़ों का सीन ऐसा रहता है। देखिए गाइस अभी हम लोग एक जगह रुके हुए हैं, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये बहुत अच्छा नज़ारा है। वाह, इसी नज़ारे को हम लोग थोड़ा कैप्चर करेंगे। देखिए यहाँ पे ये भी अपना कैमरा में कैप्चर कर रहा है ये नज़ारा, देख सकते हैं बहुत अच्छा। देखिए वो बादल, देखिए उस पर कुछ भी नहीं ऐसा लग रहा है, देखिए इतना अच्छा। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा, देख सकते हैं यहाँ पे वाह। देखिए कुछ बच्चे लोग भी खेल रहे हैं यहाँ पे, बहुत अच्छा नज़ारा देख सकते हैं। अभी हम लोग माना पहुँच चुके हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे थोड़ा ये सूरज, यहाँ पे तो सूरज है, देखिए देख सकते कितने दिनों बाद यहाँ सूरज देखने को। हमारे गांव में तो अभी बारिश हो रहा होगा अभी, देख सकते हैं यहाँ पे बहुत अच्छा नज़ारा। गाइस अभी हम लोग 4:30 बजे पहुँच चुके हैं, यहाँ पे होम स्टे है, जिम है, यहाँ पे SBI के ATM भी है। देखिए ATM बंद करेगा। देखिए यहाँ पे स्वर का बच्चा, देखिए ढंग ढंग से स्वर को बचाइए, नेपाल से लाया है ये बेचने के लिए।
गाइस अभी हम लोग हल्का बाजार क्रॉस करने वाले हैं। तो गाइस अभी हम लोग ने हल्का बाजार क्रॉस किया है, देखिए ऊपर में क्रिकेट खेल रहा है। अभी हम लोग नीचे से जाएंगे। देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा, वाह। देख सकते हैं आप लोग ऊपर में, वाह वो अच्छा सा व्यू, ये जो सीटोंग का ये सारा का सारा सीटोंग है। अभी हम लोग ऊपर से आए थे, ये ऊपर में है आहल डाड़ा, लोग देख सकते हैं ऊपर में आहल डाड़ा है, ये अच्छा सा व्यू। तो गाइस अभी हम लोग जो घाट पहुंचने वाले हैं, यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे भी खुला है, देख सकते हैं। वाह, अगर कैमरा होता तो बहुत अच्छा होता। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम आएंगे। अभी आप लोग देख सकते हैं कि ये लेफ्ट का रास्ता, ये ऊपर क्वेश्चन मामरी गुम्बा गाँव, यहाँ से जाते हैं। अभी हम लोग स्ट्रेट जा रहे हैं, स्ट्रेट जाएंगे तो नहीं जा सकते। अभी एक मिनट का रास्ता है, इधर पहुँचने वाले थे। अभी हम लोग फाइनली जयघाट पहुँच चुके हैं, देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचेंगे। अब उस पार जाएंगे तो दार्जिलिंग पड़ेगा, देख सकते हैं जयघाट का पुल। ये हम लोग जयघाट में एंट्री कर चुके हैं, जयघाट का रिवर। क्योंकि मैंने मेरा फर्स्ट वीडियो में एक ब्लॉग में इसे बताया था, किसका चाउमिन मांगे, चाउमिन। अभी हम लोग घाट पहुँच चुके हैं, यहाँ पे थोड़ा कुछ का खाएंगे, रेस्ट करेंगे थोड़ा और फिर जाएंगे, क्योंकि एकदम टायर्ड हो चुका है और इसका मेमोरी भी फुल होने वाला है। देखिए चार कब से ट्रैवल कर रही है, कभी मेरे, कभी परसियम, कभी गैंगटॉक, फिलहाल तो ये सिक्किम का ही
सिटीजन है सिक्किम का सर जी देखिए गोवा से देखिए सिक्किम का सर यह हमारा जोगी घाट गाइस अभी हम लोग निकल चुके हैं, ये है जय घाट का अंतिम नज़ारा। अभी हम लोग जाएंगे बाइक में, ये बाइक स्टार्ट करेंगे। मैं तो देख रही है दीदी स्कूटी सीख रही है, देख अपना दे रे क्यों मेरी को फिर ना देख सकते हैं ये पिहन पिकॉक और पिहन क्या है पिहन तो गाइस अभी हम लोग मंगपो अपना ले जा रहे हैं मंगपो बाजार से वहाँ पहुँचने वाले हैं ज़्यादा पहुँच चुके हम लोग देखिए अभी हम लोग जाएंगे रास्ते जा रहे हैं क्योंकि उन्हें को अभी एक के घर में काम है इसलिए मुझे इतना खराब हो गया। तो गाइस अभी हम लोग एक के घर में जा के आ चुके हैं, तो अभी हम लोग यहाँ उनको पब्लिक के रास्ते से जा रहे हैं। तो देख सकते हैं ये है मंगपुर पब्लिक ग्राउंड का रास्ता, ऊपर में मंगपुर ग्राउंड का कंपाउंड है, मंगपुर गर्ल्स हाई स्कूल और सरस्वती गर्ल्स हाई स्कूल देख सकते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मंगपुर पब्लिक ग्राउंड जो है यह मंगपुर पब्लिक ग्राउंड, यहाँ पे दिवाली में दो दिन एकदम ग्रांड मेला लगता है यहाँ पे। और यहाँ पे मंगपुर प्लांटेशन का वो डायरेक्टर का ऑफिस हेडक्वार्टर है यहाँ पे। रमन भाई कहता है जो यहाँ पे मंगपुर डायरेक्टर का बंगलो और चैम्बर है यहाँ पे, मतलब उनका ऑफिस है। ये भी नया रोड बना है यहाँ पे, देख सकते हैं साइड में उन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया। देखिए यहाँ पे एकदम सा फुल रोड के फुल बहुत अच्छा है, कितना अच्छा दिखता है दिन में। तो
बंद नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा रिफ्यूज दादा उनका ड्यूटी यहाँ पे है। तब ड्यूटी यहाँ चाहिए कस्ता ढुक्क है। हुन्छ दादा, थैंक यू। ये नीचे मंगपो सीमेंट फैक्ट्री है, देखिए ये कितने साल से बंद है। अभी यहाँ पे कुछ मैनुफैक्चर नहीं हो रहा है। फिर यहाँ पे क्विनाइन का वो दवाई, जो मलेरिया का दवाई यहाँ पे बनता था पहले, ये नहीं है, पता नहीं क्यों बंद हुआ है। अभी कब खुलेगा ये भी मालूम नहीं। आप लोग को मालूम होगा कि यहाँ पे नीचे रविंद्र भवन है, यहाँ पे रविंद्र नाथ के घर आते हैं, यहाँ पे चले थे, इसलिए उनके नाम में यहाँ पे हॉल और उनके नाम पे बहुत सारे यहाँ पे कुछ कुछ। हाँ, हम लोग हवा का डरा अच्छा सा नजारा देखने को मिलेगा आप लोगों को। आप लोग देख सकते हैं ये है सनसेट हो रहा है अभी यहाँ पे मंगपू बाजार, टोटली मंगपू बाजार दिखता है यहाँ पे। और ये नामरिंग, तकदा, टिस्टा वैली, डीपी साइड सब दिखता है यहाँ पे। वो उस तरफ पहाड़ के उस तरफ कालिम्पोंग भी दिखता है। आप लोगों को तो नहीं दिख रहा होगा क्योंकि यहाँ कैमरा उतना अच्छा नहीं है, इसलिए अभी देख सकते हैं। यहाँ पे वो टिस्टा डैम, वो 227 माइल में डैम है, वो भी देख सकते हैं। वो NHPC में बनाया है। ये नीचे हमारा गाँव है, ये नीचे गाँव हमारा है। अभी हम लोग उस रास्ते से गए थे, वो राम बिहारी निकल के उस रास्ते 360 एकदम 360 घूम के आए हम लोग, बहुत मज़ा आया। अभी थक भी गए हम लोग। देखिए मेरा भाई भी उसका व्लॉग कर रहा है। तो गाइस, अभी हम लोग हवा का डांडे से निकलने वाले हैं। देखिए ढीला आदमी, एकदम ढीला है, छोड़ लो। फाइनली हम घर पहुंच चुके हैं। आज हम दोनों भाई बहुत घूमे। कैसा लगा आपको आज का ब्लॉग, कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं अब दूसरे ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, गुड नाइट।